तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं जो ग्रेनाइट का स्टेयर होता है, फ्रंट स्टेयर यानी फ्रंट एलिवेशन स्टेयर, इसको कैसे लगाते हैं और ग्रेनाइट के अंदर उसको बिना कोई दूसरा डिजाइन लिए इसी ग्रेनाइट के अंदर कैसा डिजाइन बना के लगा सकते हैं उसको हम दिखाने वाले हैं आपको। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कटिंग चालू ग्रेनाइट का, जो कि इधर 12 इंच का जो स्टेप है तो 12 इंच का ही उससे कातरा कटिंग बना के लगाना है, जो कि दिखने में काफ़ी कम्फर्टेबल दिखता है। और कातरा कटिंग करने से क्या होता है, जो दिखता है वो लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। अभी इस प्रकार से अगर आप कातरा करके रख देते हो तो देखने में कितना शांत दिखता है। और इस प्रकार से उसको फिट करके भी दिखाने वाले हैं हम आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला, बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो थापी से उसको खाज कर देते हैं, तो खाज करने की वजह से क्या होता है, उसका मजबूती ज़्यादा होता है। और ये जो ग्रिल लगी हुई है इधर पहले से, तो ये MS ग्रिल है और ये पहले ही लगी हुई है। पहले लगाने से क्या होता है, मजबूती ज़्यादा रहती है उसको, बाद में जो स्टील रेलिंग वगैरह लगाते हैं वो एक 4-5-8-10 साल के बाद हिल जाते हैं। और ऐसे जो ग्रिल पहले ही फिट होते हैं नीचे मोड़ा कीला वगैरह लगा के, उसके ऊपर जब सीमेंट पानी और सीमेंट माल वगैरह लग जाता है तो वो कभी भी हिलता ही नहीं, कभी भी, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए वो दोनों आप लगा सकते हो, स्टील का भी लगा सकते हो। स्टील का सिर्फ ज़्यादा दिखने को अच्छा होता है और MS का जो होता है वो ज़्यादा मजबूती में होता है। तो इस प्रकार से उसका छोड़ते हैं और अब आते हैं ग्रेनाइट पर। तो ग्रेनाइट आप देख सकते हैं लग चुका है दोनों। अभी उसके बीच में जो लगाना है उधर टाइल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन हम टाइल्स नहीं, हम ग्रेनाइट ही लगाने वाले हैं, जो कि ग्रेनाइट अभी कट हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कट होके आ चुका है, अभी इधर बीच में अखंडी रख देना है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रेनाइट होता है वो इतना लंबाई नहीं होती है, 4 फीट है, तो 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ग्रेनाइट नहीं आता है, इसलिए इधर और उधर 11 इंच के टप्पे लेने पड़े हैं। बीच में अभी ग्रेनाइट जो बचा है वो 3 फीट बाय 3 फीट का बचा है, इसलिए उधर अभी हम लगा सकते हैं आसानी से दोनों बाजू से ग्रेनाइट लेके, बीच में भी ग्रेनाइट लेके लगाए हैं, क्योंकि टाइल्स इधर लगा सकते हो, लेकिन टाइल्स क्या होगा, फूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी शक होता है एक आदमी का कि टाइल्स फूट जाता है, फिर भी लेकिन फूटता नहीं है। तो इस प्रकार से ग्रेनाइट आप लगा सकते हैं, और ग्रेनाइट लगाने के बाद काफ़ी अच्छा पूरा उसका लुक आएगा, किधर पे मतलब पूरा ब्लैक ही दिखने वाला। और इधर बाहर है तो थोड़ा पानी वानी इससे गिरेगा तो उस पर पैर नहीं फिसलेगा। और ये लेदर पॉलिश का ग्रेनाइट है, जो कि अभी नीचे का टप्पा लगा चुके हैं, पूरा लास्ट वाला टप्पा बचा है, पूरा हम दिखा देते हैं लेकिन पूरा दिखाने में वीडियो इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है सबने, तो इसलिए पूरा वीडियो नहीं दिखाए हैं। तो अभी लास्ट वाला टप्पा जो है उसमें भी थोड़ा सा अड़चन है, क्योंकि वो जो ऊपर MS का पिल्लर लगा हुआ, तो पिल्लर की वजह से कातरा थोड़ा सा बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि काफ़ी कातरा बनाने में उसका मार्किंग वगैरह लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका भी हम बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि पूरा बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ भी हो तो बना के दिखाने वाले हैं। तो आप क्या करना, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, तो हम पूरा कातरा आपको बना के दिखाने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है और हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कभी भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको वीडियो देखने को आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रिल जो पहले लगी होती है उससे थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है पत्थर वगैरह उठाने रखने में, लेकिन मजबूती सबसे अहम है, मजबूती रहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मजबूती रहती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसका कातरा जो बनाया है, उधर से पहले खाद करके उसको सीधा अंदर डाल दिए हैं, उसके ऊपर से दूसरा वाला पत्थर रख के जिसको हम पहले कातरा बना चुके हैं, और उसको पत्थर को रख के अभी वो उसी के हिसाब से मार्किंग करके ले लेना, जिस प्रकार से वो मार्किंग कर रहे हैं उसी प्रकार से मार्किंग करके ले लेना है। जब इस प्रकार से आप मार्किंग करके ले लोगे तो उसी प्रकार से कट कर लोगे, वो अभी आप देख सकते हैं कि कट हो चुका है। अभी हम रख देंगे तो बिल्कुल ईजी से वो आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, सीधा सीधा कातरा टच हो जाएगा। तो इस तरह के अगर कभी भी पिल्लर वगैरह पड़ता है तो उस पर कातरा कैसा करना है वो आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से कातरा उस पर करना पड़ता है, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो ये कातरा करके इसके बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो वो डिज़ाइन बना के हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और वो भी डिज़ाइन हम कोई दूसरा ग्रेनाइट नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसी ग्रेनाइट में और जो थोड़ा सा वेस्टेज होगा उसी में बना के दिखाने वाले हैं। तो ये पहले हम फिट कर लिए हैं, अभी दूसरा वाला भी फिट करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से हम डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसलिए वो पहले हम बना लेंगे फिर आपको दिखाएंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए बना के दिखाएंगे। तो अभी हो चुका है, पूरा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी फिट होके इसको एक दिन हो चुका है, हम दूसरे दिन अभी सुबह आए हैं। तो अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो कल लगाए थे वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, और जो डिज़ाइन बनाए थे वो दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से डिज़ाइन बनाए थे ऊपर का।